आज मैं आपके लिए एक्टिविटीज़ वर्कशीट लेकर आई हूँ और ये वर्कशीट 3 साल से लेके 5 साल के बच्चों के लिए है। इस वर्कशीट की हेल्प से आप घर पर बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी है ड्रॉ व्हाट कम्स नेक्स्ट। इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, देखेंगे आप हैप्पी सैड हैप्पी सैड हैप्पी नेक्स्ट कौन सा फेस आएगा सैड। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग में जब बच्चों को कंप्लीट द पैटर्न सिखाएंगे तो वो इन पिक्चर्स के थ्रू सिखाएंगे तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 बलून्स ड्रॉ किए हैं, 1 2 2 बलून्स, इनमें सर्कल्स मैंने अंदर सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, फिर बलून ड्रॉ किया उसमें वेव्स हैं, एंड अगेन 2 बलून जिनमें सर्कल्स हैं। तो 1 2 2 बलून्स इन 2 बलून्स सर्कल्स आर देयर एंड अदर हैव वेव्स, 2 बलून हैव सर्कल्स नेक्स्ट। नेक्स्ट जो बलून आएगा उसमें कौन सा पैटर्न होगा वेव्स। इस तरह से हम बच्चों को व्हाट कम्स नेक्स्ट पिक्चर्स के थ्रू पैटर्न सिखा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आप देखेंगे मेरी ये कॉपी पैटर्न, इसमें मैंने सिंपल डॉट्स बनाए हैं, बच्चों को ये डॉट्स ज्वाइन करनी है, सेम डॉट्स ज्वाइन करनी है स्ट्रेट। आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इससे बहुत अच्छा होता है, तो बच्चों को ये एक्टिविटी आप ज़रूर कराएं। इसमें सिंपल है, आप देख रहे हैं, अगर आपको ये टफ लग रही है तो आप इसे और इजी कर सकते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में सिर्फ क्रॉस या स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हैं। इस तरह से उन्हें डॉट टू डॉट ज्वाइन करना है और जिस तरह का पैटर्न हमने बनाया है सेम उसी तरह का पैटर्न कॉपी करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी आप देखेंगे कंप्लीट द सेकंड शेप टू लुक लाइक द फर्स्ट वन। इसमें मैंने कोई भी सन हाउस आइसक्रीम या इस तरह से मैंने कुछ शेप बनाए हैं और बच्चे को ये शेप्स कलर्स से, मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ पर वैसे कलर से ड्रॉ करना है। सन है तो सन को वैसा ही शेप बनाना है और फिर कलर करना है। इसी तरीके से हाउस है तो मैंने ये एक स्क्वायर बना दिया है, बच्चे को कॉपी करना है कि ऊपर एक ट्रायंगल आएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से ये शेप्स कंप्लीट करना है। ये भी आइसक्रीम दिया मैंने, इसका शेप कंप्लीट करना है और कलर करना है। नेक्स्ट है मैंने कुछ ग्लासेस ड्रॉ किए हैं, कुछ कम्प्लीटली फिल्ड हैं, कुछ पार्शियली फिल्ड हैं और कुछ एम्प्टी ग्लासेस हैं। तो इसमें जो एम्प्टी ग्लासेस हैं हमें उन्हें सर्च करना है और एम्प्टी ग्लासेस को हमें कलर करना है। जितने भी एम्प्टी ग्लासेस हैं उन ग्लासेस को हमें सर्च करके कलर करना है, कोई भी कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आप देखेंगे हमारी सर्च एंड मैच द नंबर 9। इसमें बच्चे को आपको बोलना है कि पहले वो नंबर 9 सर्च करे, सर्च करने के बाद इस तरह से आपस में ज्वाइन करे सारे 9s को, नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 इस तरह से सर्च करना है और फिर 9 नंबर्स को मैच करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, इसमें मैंने क्या किया है, सर्कल में मैंने 3 कलर लिए हैं, कोई भी सर्कल मैंने ड्रॉ किया है उसमें हर में 3 कलर लिए हुए हैं, 3 कलर्स। जैसे आप ये देखेंगे ग्रीन येलो रेड का कॉम्बिनेशन लिया है, इसमें ब्लू रेड येलो, मैंने कॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं लिया है, 3 से 3 कलर्स का ही कॉम्बिनेशन लिया है, जैसे इसमें रेड है ब्लू है येलो है। तो सेम पैटर्न मैंने इस शेप में भी
सेम पैटर्न रखा है, जैसे अगर हम ग्रीन है, येलो है, रेड है, तो आपको इनमें से वो पैटर्न ढूंढना है जिस पैटर्न में ये सेम कलर हो, जैसे ग्रीन, येलो, रेड. ओके, देन रेड, येलो, ब्लू. ब्लू, रेड, येलो एंड रेड, ब्लू, येलो. इस तरह से आपको मैच कलरफुल पैटर्न्स रहेंगे, इनको मैच करना है. ये मैंने ट्रेस करने के लिए दिया है, सिंपल सी है. एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, जो स्पाइरल जिगजैग इस तरह से है, इसे ट्रेस करना है आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए और राइटिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए. ये ट्रेसिंग बहुत अच्छी रहती है. इस तरह से बच्चे को क्रेयॉन से, पेंसिल से, किसी से भी आप करवा सकते हैं. ये ट्रेस करना है लाइन. जॉइन डॉट्स एंड कलर द पिक्चर. इसमें मैंने कोई भी आप वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, जिसमें आप ए टू जेड डॉट्स देंगे और इन डॉट्स को बच्चे को ज्वाइन करना है. ए से बी को कनेक्ट, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इस तरह से. और जो भी शेप बनेगा उसे कलर करना है. इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप देखेंगे ये, इसमें भी 1 से लेके मैंने 20 तक दिया है. इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जो भी शेप बनेगा बच्चा खुद ये डॉट्स को ज्वाइन करेगा और फिर देखेगा कि कौन सा शेप बना या क्या ऑब्जेक्ट बना और फिर उसे कलर करेगा. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी काउंटिंग. ये सिंपल काउंटिंग है. इसमें 1 है तो हमें क्या करना है, इसमें 1 सीड ड्रॉ करना है ब्लैक कलर से. 2 स्टार्टिंग में हमने सीक्वेंस में दिया है. जब बच्चे को ये क्लियर हो जाए तो आप रैंडमली भी दे सकते हैं, 1 के बाद 4, 5, 6, 9, इस तरह से भी. पर स्टार्टिंग में जब आप काउंटिंग करा रहे हैं इस तरीके से, तो उन्हें सिस्टमैटिक भी दे सकते हैं. 1 तो 1 सीड, 2 2 सीड, 3 1, 2, 3. इन्हें आप ब्लैक स्केच से ड्रॉ करेंगे तो ये पिक्चर बहुत ही अच्छी लगेगी. 4, 5 में आपको ड्रॉ करने हैं 5 सीड्स, इस तरह. 6 में आपको ड्रॉ करने हैं 6 सीड्स. 7 में आप ड्रॉ करेंगे. बच्चों को ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है और इस एक्टिविटी से बच्चों को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है. क्योंकि 2 लिखा है, अगर बच्चा फोकस नहीं करेगा कि मुझे 2 ही सीड्स बनाने हैं, तो वो यहाँ पे 3 भी बना सकता है. तो उसे यहाँ पे पहले कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना नंबर है, 2, यानी हमें इस वाटरमेलन में 2 सीड्स ही डालने हैं. अगर 4 नंबर है तो हम 4 सीड्स डालेंगे. आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.